जियान पेपर बनकर उड़ गया। तो चलो सब शुरू करते हैं। अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज सुबह से जियान इतने गुस्से में क्यों है? अरे अंकल, अगर आपने कार यहाँ पार्क की तो हम बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ आसपास की सारी पार्किंग फुल है। अरे रुकिए, अरे अंकल रुकिए, अब बेसबॉल कैसे खेलेंगे? इस कार की वजह से हम बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे। आज तो मैं जियान से बच गया, लेकिन वहाँ अगर ऐसी पार्किंग होती रही तो मुसीबत होगी। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ डैड? मुझे कल गोल्फ खेलने जाना है, लेकिन ये गोल्फ बैग बहुत भारी है, इसे उठाना बहुत मुश्किल है। इसका कोई तो तरीका जरूर होगा। हाँ? शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। बदलाव करने वाली सुई। अरे वाह, ये कितना पतला हो गया। अब बस इसे मोड़ दीजिए ताकि आपकी पॉकेट में आ जाए, वो भी आराम से। ये तो पेपर की तरह पतला हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? बैग के अंदर रखी चीजों का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, वो भी पहले की तरह हो जाएंगी। ये देखिए, बस आपको थोड़ा सा पानी छिड़कना होगा। देखा? ये तो सच में बहुत मजेदार है। मुझे कल ये जरूर दे देना प्लीज। बिल्कुल डैड, ये अच्छा है। ये तो मेरे भी काम आ सकता है। सुनो प्लीज, मुझे वो सुई दे दो ना डोरेमोन। अच्छा, तुम्हें कभी कभी ज्यादा डोरा के कहने का मन नहीं करता है? मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं ज्यादा पॉकेट मनी लेने के। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा सुनो ना डोरेमोन, हम हर गाड़ी को पतला करके रखेंगे ना। आजकल पार्किंग की जगह कम हो गई है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के भले के लिए नहीं, पर डोरा केक के लिए तो सही। डोरा केक के लिए नहीं, लेकिन लोगों के भले के लिए जरूर करूंगा। क्या? हाँ ये ठीक है, चलो पहले उस कार को करते हैं। ठीक है। ये बहुत गलत बात है, उसने यहाँ कैसे बात कर दिया? तुम्हारी सुई निकालो डोरेमोन। अब बस इसे क्ले पाइप पर डाल दो। ये अच्छा। एक दो। यहाँ कोई पार्किंग है क्या? आपका स्वागत है, वहाँ पार्क कर दीजिए। मैं इसे शाम तक पार्क करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पार्किंग के 10 रुपए लगेंगे। क्या इतना सस्ता? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो, हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ चलो। सुनियो क्या हुआ? आज मैंने सुनो किची भैया के साथ पहाड़ों पर जाने का सोचा था। हम उनकी गाड़ी से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का नजारा देखते हुए हम सब लंच करते हैं, लेकिन अब वो नहीं जा सकते हैं। अब मुझे अपने गार्डन में ही खाना खाना होगा। फिर क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ चलो। अरे वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। खाना ठंडा होने से पहले इसे खा लेते हैं। लेकिन मैं तुम दोनों के साथ ये खाना यहाँ पर क्यों खाऊं? अगर नहीं खाया तो सब वेस्ट हो जाएगा ना सुनियो। अरे हाँ, इसे खाने के लिए हम इसे पार्क में भी चलते हैं, क्या लगता है? बहुत अच्छे। तो चलो शुरू करें। ये तुमने क्या किया?
ऑटो पे ले चलते हैं। ये भी। ये टीवी भी ले चलते हैं। अब मैं तैयार हूँ। अरे जरा संभल कर, सारा फर्नीचर बहुत महंगा है। फिक्र मत करो सुनियो, हम शिजुका को भी अपने साथ नहीं चलेंगे। तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे साथ पहाड़ों पर पिकनिक मनाने मैं भी आती हूँ। ये सब सच में पहले की तरह हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। हे कैसे हो सर? इस जगह से कार गायब हो गई है, चलो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वो हम क्या, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी? ठीक है चलो चले, अगर इस बात तुमने गलती की तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत लापरवाह हो। अरे ज्ञान कहाँ चला गया? वो यही कहीं पर होगा। मैं आ गई नोबिता। शिशुका, मुझे भी ये गिरी हुई शिशुका नहीं होंगी ना? हाँ शुक्रिया। अरे ये तो ज्ञान की फोटो है। ठीक है सब तैयार है, चलो पहाड़ पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। वाह कितना सुंदर है। बहुत सुंदर नजारा है, हवा भी बहुत ताजी है। चलो मैं ये सब यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया, अब मुझे पानी छिड़कना होगा। वाह बहुत बढ़िया, ये सब हमारा फर्नीचर है। अब लेट लगा देते हैं। अब कहाँ गए? चलो अब बस पानी छिड़कना होगा। अरे वाह अभी तक गर्म है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ के सुंदर नजारे के साथ लंच का मजा ले सकती हूँ। ये सब हमारे घर से आया है। देखो लॉबस्टर आया। अरे बस निकलो, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब तुम देखना ज्ञान। यकीन नहीं हो रहा, यही ये बाकी है। अरे लगता है ये वाला पोस्टर रह गया। रुको मैं आ रहा हूँ। ये शायद कुछ मीठा है, मुझे दिखाओ। तुम्हें तो मैं इसे तुम बता। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करें? मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे ये लाल पत्तियां कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। अरे यहाँ हिरन है। ये क्या किया तुमने? अब क्या हो रहा है? अरे रुक जाओ रुक जाओ, जाओ यहाँ से, अरे जाओ। सबको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वापस आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत टेस्टी है, अच्छा लगता अगर ज्ञान भी हमारे साथ होता। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अगर हमने उसे ढूंढ लिया। अरे तुम कहाँ रह गए? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। ज्ञान चलो साथ दिखाते हैं ना। चलो
बाहर तुम तीनों तैयार हो ना। अरे बारिश हो रही है। पापा जी, हमें वापस जाना होगा। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें हमारी घर वापस करो। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो मतलब किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दो। इनविजिबल बॉडीगार्ड। शिज़ुका, आज तुम इतने बड़े घर में अकेली रहोगी? हाँ रह लूंगी। अच्छा है, तुम आराम करना। मॉम और डैड घर पर नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम्हें डर नहीं लगेगा क्या? नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ। अरे हाँ, मैं तुम्हारे घर पर रहने आ सकता हूँ ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली रह सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगता, तुम परेशान मत हो। शिज़ुका बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे नहीं लगता, दरअसल मुझे फिक्र हो रही है अगर घर में आग लग गई या भूकंप आ गया या चोर आ गया तो तुम किसकी मदद मांगोगी? ऐसी डरावनी बातें मत करो। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? हाँ तुम शिज़ुका को क्यों डरा रहे हो बताओ? तुम ये आसानी से कह रहे हो डोरेमोन? अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे क्या? दुनिया में कितने सारे खतरे हैं तुम्हें पता है? अगर तुम कह रहे हो तो पता नहीं, मेरे पास कोई गैजेट नहीं है भैया। उसके लिए मेरे पास कोई गैजेट नहीं है नोबिता। अरे हाँ, मैं क्या, ये मेरी पॉकेट के कोने में फंसा हुआ था। इनविजिबल बॉडीगार्ड। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम इसे उजाले में नहीं देख पाओगे। ये है अंधेरे वाला टॉर्च। ये एक रोबोट बॉडीगार्ड है जो तुम्हें हमेशा सबसे छुप कर बचाएगा। इसलिए तुम आज रात की फिक्र मत करना। ये इनविजिबल है, ये रोबोट तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से रक्षा करेगा शिज़ुका। अब तुम आराम से सो सकती हो। मुझे सच में डर नहीं लग रहा है। ठीक है, उसका ध्यान रखना। सुनो, बेचने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत हो तो कुछ भी बेचा जा सकता है। बस देखो मुझे। हाँ। चलो ये देखिए, आप एक साथ तीन कटोरियों में एक चम्मच से चावल परोस सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ तो कोई नहीं है। आप दोनों कौन हैं? मन नहीं है। उसके साथ अभी शायद बहुत बुरा हो रहा होगा। कहीं तुम शिज़ुका की बात तो नहीं कर रहे? और कौन? उसे इस वक्त अकेलापन महसूस हो रहा होगा और वो रो रही होगी। पता नहीं उसकी पूरी रात कैसे कटेगी। लेकिन अभी तो बस शाम ही हुई है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए फ्री है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू बहुत अच्छी है। क्या कर रहे हो नोबिता? क्या बात है नोबिता? पता नहीं शिज़ुका ने खाना खाया भी होगा या नहीं। हाँ, मैंने खाना खा लिया है और दरवाजे भी अच्छे से बंद है और गैस भी बंद कर दी है।
हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अच्छा फोन रखती हूँ, गुड नाइट। वाह इसलिए मैं देर तक टीवी देखूंगी। मुझे कब से एक बार देर तक जाकर टीवी देखना था। घर पर कोई नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डोरेमोन चलकर देखते हैं। अब बस बहुत हुआ। क्या तुम जानते भी हो मिनारे के कितने बच रहे हैं? ठीक नहीं है क्या अपने दोस्त के लिए फिक्र करना? ये बात ठीक नहीं है डोरेमोन। लेकिन शिज़ुका को दिया हुआ गैजेट बहुत टाइम से तुमने कहीं रखा भी होगा, पता नहीं अभी ये काम करना होगा या नहीं। बताओ तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है शिज़ुका के घर पर चलते हैं। अरे नहीं, तुमने जाने के लिए ये रास्ता क्यों चुना नोबिता? थोड़ा धीरे से डोरेमोन, कहीं शिज़ुका हमें देख ना ले। हाँ शिज़ुका तो बाहर के कमरे में है। अच्छा हुआ वो बिल्कुल ठीक है। वो इतनी रात को जाकर क्या कर रही होगी? ये इनविजिबल बॉडी गार्ड है नोबिता। अरे हाँ ये कैसी आवाज थी? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर वो एक टूटा हुआ रोबोट है, उसे हमें और असली चोरों में फर्क नहीं पता चलता। लेकिन ये रोबोट अच्छा है ना? मेरे ख्याल से वो सही से काम नहीं करता। अब फिर के समय पर वो क्या करेगा बता रहे? वो रोबोट बहुत पुराना हो गया है, वो शिज़ुका की रक्षा कैसे करेगा? मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। डिजास्टर क्लीनिंग मशीन शुरू हो जाओ। चलो घर वापस चलते हैं। नहीं अभी नहीं।